अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजिंग के बारे में। एक्चुअली एजिंग जो है ये एक इनएविटेबल चेंज है, ठीक है, जिसको रोका नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट सम टाइम हमारे जीन्स जो हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से जो एक पर्सन है वो अपनी एज से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि शी इज अ यंग फीमेल, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो गई हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हो। तो एजिंग जो है ये एक्चुअली होता क्या है कि एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इट इज अ चेंज एंड इट इज अ इनएविटेबल चेंज जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। और हर इंसान की एजिंग, हर ऑर्गेनिज्म की एजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम होती ही होती है, और जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस इंक्रीज होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, और ये फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और उसकी फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, अब जो एजिंग है इसको हम एक और टर्म है सेनेसेंसिस, इससे ये बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है। एक्चुअली जो सेनेसेंस है ये एजिंग का ही एक आप कह सकते हो टर्म है, जिसमें सिर्फ ओल्ड एज को डिस्कस किया जाता है, जबकि एजिंग को यंग एज से लेके बर्थ से लेके टिल डेथ जो डिफरेंट स्टेजेस स्टेजेस आते हैं वो तमाम स्टेजेस हम एजिंग में डिस्कस करते हैं। गेरोंटोलॉजी क्या है? एजिंग की स्टडी को हम गेरोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले आप इन टर्म्स को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें माइस की, तो माइस जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक सर्वाइव कर सकता है। मंकी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 59 to 60 years सर्वाइव कर सकता है, और मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज 121 years। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिफरेंट प्लांट की बात करें तो पाइनस प्लांट जो है वो 5000 years तक सर्वाइव कर सकता है, और इसी तरह से जो सी एनिमोन है जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, उसकी एजिंग अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट इट इज यू कैन से कि ये अनडिफरेंशिएटेड है। इसकी एजिंग के बारे में अभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, डिफरेंट थीरीज पेश की गई हैं इसकी एजिंग के लिए। तो एक्चुअली एजिंग, एक तो ये कि एजिंग का प्रोसेस होगा ही होगा, यानी कि इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, बट कुछ जीन्स हैं जो कि एजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और वो जीन है एक ऐसा जीन जो कि डीएनए रिपेयर इंजाइम को इनकोड करता है। अब ये जो जीन है ये 2 तरीकों से काम करता है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि आरओएस क्या है, टीलोमीरेज क्या है, और P53 प्रोटीन किस तरीके से एजिंग में रोल प्ले करती है। और जो दूसरा जीन है वो जीन्स जो कि प्रोटीन को इनकोड करते हैं, ये दोनों जीन ही एजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब पहले हम अगर डिस्कस करें कि डीएनए रिपेयर इंजाइम्स जो हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं। देखें, डीएनए रिपेयर इंजाइम नाम से पता चल रहा है कि अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जब सेल ने डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए उसको 2 फेजेस से गुजरना पड़ता है। एक उसका फेज होता है इंटरफेज, और दूसरा जो उसका फेज होता है वो होता है एम फेज। इंटरफेस में उसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, अब S फेज में सिंथेसिस होनी है। सिंथेसिस होने के लिए जो पहले उसको इंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो G1 फेज में बन जाती है, राइट? अब अगर तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी इंजाइम में, किसी प्रोटीन में, या डीएनए के सीक्वेंस में, तो वो बजाय इसके वो इसको आगे S फेज में भेजे, G1 फेज जो है इसको G0 में भेज देती है ताकि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद S फेज में भेजा जाए। वही इंजाइम जो है वो
रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो सही से नहीं चल रहा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस की जगह पे सही वाले अटैच नहीं हो रही न्यूक्लियोटाइड बेसिस, तो वहां पे डीएनए रिपेयर एंजाइम एक्ट करता है और उस बेसिस को ठीक करता है और आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस ठीक ठीक चलाता है। ये काम है डीएनए रिपेयर एंजाइम का, ठीक है। अब अगर किसी इंसान में डीएनए रिपेयर एंजाइम जो है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू वो पर्सन जिसमें डीएनए रिपेयर एंजाइम एफिशिएंट नहीं है, उसमें म्यूटेशंस का रेट ज्यादा होगा। अगर म्यूटेशन का रेट ज्यादा होगा तो उसमें एजिंग का प्रोसेस भी फास्ट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि डीएनए रिपेयर एंजाइम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एजिंग के साथ, ठीक है। ओके, अब अगर हम डीएनए रिपेयर एंजाइम की बात कर रहे हैं तो हमने जीन की बात की है। डीएनए रिपेयर एंजाइम, यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, मे बी आपको एक ओल्ड मैन नजर आ रहा है, बट ही इज अ चाइल्ड, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो कि देखने में हमें बहुत बड़ी एज का पर्सन नजर आ रहा है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, पहले हमने बात की थी एजिंग इनएविटेबल है, मतलब हर पर्सन में एजिंग होनी ही होनी है, लेकिन सम टाइम हमारे जीन्स जो हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, म्यूटेशन आ जाती है और टाइम से पहले ही इंसान को बड़ा दिखाते हैं। अब यहाँ पे प्रोगेरिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें बच्चा जो है वो अपनी एज से बहुत बड़ा नजर आता है और उसमें एजिंग का प्रोसेस बहुत रैपिड होता है और ये मैक्सिमम मैक्सिमम 12 साल तक जिंदा रह सकता है। एक्चुअली प्रोगेरिया जो डिजीज है इसमें एक प्रोटीन बनती है हर इंसान में, एक जो अगर नॉर्मल इंसान है तो उसमें लेमन ए प्रोटीन बनती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अगर उस प्रोटीन के को बनाने वाले जीन्स में म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं उनकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, उसमें एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है और एज अ रिजल्ट जो पर्सन है, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इस तरह के जो पर्सन है वो बच्चे जो हैं वो नजर आना शुरू होते हैं और ये मैक्सिमम 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब इसी की तरह अगर हम एक और जीन को देखें जो कि प्रोगेरिया डिजीज में इन्वॉल्व होता है और वो जीन है क्लोथो जीन। एक्चुअली ये जो जीन है एक नॉर्मल पर्सन में ये जीन इंसुलिन सिग्नलिंग की डाउन रेगुलेशन करता है, मतलब इंसुलिन सिग्नलिंग यानी के IGF फैक्टर जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की ग्रोथ को कम करता है। नाम से पता चल रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही एजिंग का रेट भी ज्यादा होगा। अब ये जो क्लोथो जीन है ये क्या करता है, ये जो IGF जो जीन है इसको डाउन रेगुलेट कर देता है। जब रेगुलेशन इसकी कम होगी तो इसका मतलब है एजिंग का प्रोसेस भी कम होगा, ठीक है। लेकिन प्रोगेरिया वाले पर्सन में क्या होगा, क्लोथो जीन जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये काम नहीं करा। अगर ये काम नहीं करेगा तो IGF जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा देन नॉर्मल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो जाएगा। तो प्रोगेरिया डिजीज में ये दोनों जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अलावा एक और थ्योरी है वियर एंड टेयर थ्योरी, और इसको अगस्त विजमैन ने 1882 में इस थ्योरी को पेश किया था और इन्होंने इस थ्योरी में ये कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जो इंसान के अंदर ट्यूमर ट्रॉमा है या फिर छोटे छोटे डिब्रीज कह लो आप, जो कि एक सेल का वेस्ट है जो कि मतलब ये कि जो यूजफुल चीजें नहीं है, ठीक है, वो सेल में इकोमुलेट बॉडी के अंदर इकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान यंग होता है तो उसमें वो चीजों का प्रोसेस कम होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले थोड़ी चीजें हैं फिर ज्यादा होती जाएंगी ज्यादा होती जाएंगी, मतलब उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये थीरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो स्मॉल ट्रॉमा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ये क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से पूरी प्रोटीन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से इंजाइम के काम करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है,
और समटाइम होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं उसके जीन्स में भी चेंज आ जाता है। जब उनके जीन्स में चेंज आएगा तो आरएनए डिफेक्टिव बनेगा, आरएनए डिफेक्टिव बनेगा तो अल्टीमेटली प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगी, और अगर प्रोटीन डिफेक्टिव बनी तो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो अल्टीमेटली सही काम नहीं करेगी और उसमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पीछे बात की थी कि डीएनए रिपेयर एंजाइम जो है वो तीन तरीकों से काम करता है, आरओएस के फॉर्म में, ठीक है, इसके अलावा वो काम करता है प्रोटीन के फॉर्म में, टीलोमियर को हम देखेंगे और P53 को देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है इसमें आरओएस किस तरीके से रोल प्ले करता है। एक्चुअली एक नॉर्मल पर्सन है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनी चेंज, एनी केमिकल चेंज जो कि ह्यूमन की बॉडी में होता है वो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके रिजल्ट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है, ये सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सल, RO2, RO, H2O, ये तमाम जो रेडिकल्स हैं यही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होंगी उतना ही डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और म्यूटेशन का रेट इंक्रीज होगा और एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में जाहिर है मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, उसमें आरओएस भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ इंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कि कैटालेज इंजाइम, ग्लूटाथायोन इंजाइम, डिसम्यूटेज इंजाइम, ठीक है। ये तमाम जो तीन इंजाइम है मेजरली जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म कर देते हैं और एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। अब उस पर्सन में जो के जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करने वाले इंजाइम्स यानी कि कैटालेज, ठीक है, इसके अलावा उसमें एमडीए इंजाइम, उसमें ग्लूटाथायोन इंजाइम ये नहीं बन रहे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी और एजिंग का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रैपिड, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में वो इंजाइम्स भी साथ प्रोड्यूस होते हैं जो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करते हैं और जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो कम होता है और उसमें लॉन्गेविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात, टीलोमियर, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टीलोमियर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। एक पर्सन जिसमें टीलोमियर का प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड हो रहा है उसमें क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा रैपिड होगी। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में टीलोमिरेज इंजाइम होता है, जो टीलोमिरेज इंजाइम है वो टीलोमियर एक्टिविटी को कम करता है जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस कम होता है। लेकिन वो पर्सन जिसमें टीलोमिरेज इंजाइम एब्सेंट है उसकी क्रोमोसोम्स जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते करते वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी सलाहियत खत्म हो जाती है और उसमें एजिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो P53 प्रोटीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम सेल गार्डियन प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन पॉजिटिव रोल भी प्ले करती है और ये प्रोटीन नेगेटिव रोल भी प्ले कर रही होती है। पॉजिटिव रोल ये इस तरीके से प्ले करती है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म कर देती है, ठीक है। और नेगेटिव किस तरीके से रोल प्ले करेगी कि ये सम टाइम उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसको नहीं होना चाहिए, जैसे कि न्यूरॉन्स के सेल्स, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये ट्यूमर रिप्रेसर प्रोटीन है यानी कि कैंसर वाले सेल्स को ये खत्म कर रही है। तो इस तरीके से ये जो तीनों इंजाइम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बाद इंसुलिन सिग्नलिंग कैस्केड की बात करें, इंसुलिन सिग्नलिंग ये हम तीन मॉडल ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ठीक जा रही हैं, उसमें ऑक्सीजन, वाटर टेम्परेचर, उसके न्यूट्रिएंट, विटामिंस, ये किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर इस कंडीशन को हम फेवरेबल कंडीशन कहेंगे। अगर इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनसुटेबल हैं, तो उस कंडीशन को हम अनफेवरेबल कंडीशन कहेंगे।
फेवरेबल कंडीशन में जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें DAF2 जीन, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है या इंसुलिन रेगुलेटर्स के तौर पे काम करता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा, और जितना ज्यादा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होगा, प्रीवियस हमने डिस्कस किया, उतना ही एजिंग का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो सी एलिगेंस निमाटोड है ये क्या करता है, DEF2 जीन को इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है, और ये डॉर स्टेज में चला जाता है। डॉर स्टेज का मतलब है डॉरमेंट, डॉरमेंसी की स्टेज में चला जाता है। जब ये डॉरमेंसी की स्टेज में जाएगा तो यहाँ पे एजिंग उसकी स्टॉप हो गई है, ठीक है, और एजिंग डिले हो गई है। अगेन जब ये फेवरेबल कंडीशंस में जाएगा तो उसमें एजिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ जो DAF2 जीन है, इसके साथ एक और जीन भी काम करता है जो कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करता है। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, पहले हम डिस्कस करेंगे कि एजिंग का प्रोसेस कैसे फास्ट होता है, फिर हम ये देखेंगे कि एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप करके लॉन्गेविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तीन ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, निमाटोड है, ड्रोसोफिला है और माइस है, ठीक है। अब इन तीन ऑर्गेनिजम्स में एक जीन है और वो जीन है DAF जीन, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी आप इसको कह सकते हो कि इस तरह का काम करता है। अब फेवरेबल कंडीशंस में होता क्या है कि ये जो DAF2 जीन है ये एक्टिवेट होता है और ये फॉक्सो जीन को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब जो फॉक्सो जीन है और ये जो DAF2 जीन है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। अगर DAF2 जीन एक्टिवेट है तो इसका मतलब है कि एजिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा रैपिड होगा, और अगर फॉक्सो जीन एक्टिवेट है तो इसका मतलब है एजिंग का प्रोसेस नहीं होगा, और ये लॉन्गेविटी को क्या कर देगा, ये लॉन्गेविटी को इनहांस करेगा। यहाँ पे हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी फॉक्सो जीन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और DAF जो जीन है उसको एक्टिवेट किया जाता है और ये एजिंग को बढ़ा देता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसमें होगा क्या कि जो डी अगर वैसे भी अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं भी हैं तो हम DAF जीन के रिसेप्टर्स को खत्म कर दें, ठीक है। अगर हम इसको खत्म करेंगे तो जो फॉक्सो जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जब फॉक्सो जीन एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से लॉन्गेविटी का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की एजिंग एक तो नेचुरल है, वो तो होनी ही होनी है, दूसरा कुछ जीन्स भी हैं जो कि उसकी लॉन्गेविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी एजिंग को रैपिड भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।